देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज की दिल्ली एनसीआर मेट्रो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास उड़ा रहे थे ड्रोन, अमेरिकी पिता पुत्र हिरासत में। 6 माह के लिए जेल भेजे गए विधायक सोमदत्त को मिली जमानत। छोले में 2 दिन पुरानी चिकन तरी मिलाकर छात्रों को परोसा, खुला राज तो मच गया हंगामा। संपत्ति की खातिर बेटी ने पति के साथ मिलकर अपनी बुजुर्ग माँ को पीट कर घर से निकाल दिया। 3 निगम के DBC कर्मियों का धरना प्रदर्शन आज से। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम को लेकर NGT में दाखिल हुई याचिका। मुरथल से खाना खाकर लौट रहे 4 युवकों की कार हुई दुर्घटना का शिकार, 2 की मौत। दिल्ली के LBS अस्पताल में तीमारदार और सुरक्षा कर्मी आपस में भिड़े, मरीज को बिना नंबर के दिखाने पर हुआ बवाल। दिल्ली में मामूली बात पर गर्लफ्रेंड के सामने रेत दिया युवक का गला, मामला दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। 2.5 फीट ऊपर से गिरे 8 माह के मासूम की मौत। आगामी 18 से 20 अक्टूबर तक 26वां परफेक्ट हेल्थ मेला नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा आयोजित। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के बीच एक को लगी गोली, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। दिल्ली में 62 वर्षीय व्यक्ति से शादी न करने पर मां ने 1 लाख रुपए में बेटी को बेच दिया। दिल्ली के असोला इलाके में शनिवार देर रात बदमाशों ने ICICI बैंक के ATM को गैस कटर से काट कर लाखों रुपए उड़ा दिए। डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार का अभियान जारी, घर घर पहुंचेंगे केजरीवाल। मनोज तिवारी का बड़ा बयान, 10 हफ्ते तक ही बची है केजरीवाल सरकार। दिल्ली में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंजा पलवल, दिन दहाड़े व्यक्ति की हत्या। दिल्ली लोक अदालत में 1 दिन चालानों में वसूले गए करीब 17 लाख रुपए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली NCR में कई दिनों की उमस के बाद जमकर बरसे बादल, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली NCR मेट्रो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।